कंप्यूटर फंडामेंटल के इस कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है, यानी कंप्यूटर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे मेन एडवांटेज होता है कंप्यूटर का स्पीड, कोई भी काम बहुत जल्दी करता है। तो आप एग्ज़ाम में नोट्स क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हैव एन इनक्रेडिबल स्पीड दैट कैन कैलकुलेट मेनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, स्पीड आप इसका मेज़र नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा होता है। ठीक है, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन को सेकंड में करके दे देगा, यही होता है कंप्यूटर का एडवांटेज स्पीड। सेकंड एडवांटेज हो गया एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कंप्यूटर कभी भी कुछ भी गलती नहीं करता, हमेशा 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है कंप्यूटर। अगर आप सोचते हैं कि कंप्यूटर ने गलत आउटपुट दिया है, इसका मतलब आपने कंप्यूटर को गलत इनपुट दिया है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का क्या लिखेंगे आप नोट्स, कंप्यूटर्स नॉट ओनली प्रोवाइड इनक्रेडिबल स्पीड, इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो गिव यू अ ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट रिजल्ट और आउटपुट। स्पीड तो देता ही है, साथ ही साथ 100% ये गारंटी देता है कि ये सही रिजल्ट देगा या फिर आउटपुट देगा। अब हो गया थर्ड एडवांटेज, जिसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग, कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे आप चाहें तो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, एमएस ऑफिस में काम भी कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, गेम भी खेल सकते हैं सेम कंप्यूटर में एक साथ। मल्टीटास्किंग इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर, अ पर्सन कैन डू मेनी डिफरेंट टास्क एट द सेम टाइम वाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो आप बहुत सारे काम को एक साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मल्टीटास्किंग। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करेंगे तो आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा डेटा स्टोरेज, क्या आपको पता है कंप्यूटर ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, कंप्यूटर्स कैन स्टोर लॉट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई कंपेयर टू अर्लियर डेज। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया था तो उसकी मेमोरी काफ़ी कम हुआ करती थी, लगभग 15 MB हुआ करती थी, आप सोच सकते हैं कितना कम। लेकिन आजकल क्या होता है, 1 TB 2 TB इस तरह का इसका स्टोरेज हो गया है, तो इसमें आप जितना डेटा चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो गया हमारा अगला एडवांटेज रिड्यूसेस ऑफ पेपर यूज़, कंप्यूटर यूज़ करने से हमें कॉपी यूज़ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, पेपर का यूज़ कम हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डेटा कैन बी सेव्ड ऑन कंप्यूटर्स द यूज़ ऑफ पेपर इज़ रिड्यूस्ड। कंप्यूटर में आप बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, अगर वही चीज़ आप कंप्यूटर में स्टोर नहीं करेंगे तो आपको बहुत नोटबुक खरीदना पड़ जाएगा, और उसमें आप स्टोर करके रखेंगे तो आपको टाइम भी जाएगा, गलती भी हो सकता है और आपका पेपर भी यूज़ हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर इन सभी काम को एक बार में सॉर्ट आउट कर देता है। तो और भी एडवांटेजेस हैं, चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। कम्युनिकेशन कंप्यूटर का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, हम कंप्यूटर का यूज़ करके दुनिया में किसी भी कोने से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपके साथ भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अभी आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो पहुँचा है, आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो मोबाइल भी मिनी कंप्यूटर का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स क्या, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब, वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस आवर थॉट्स व्यूज एंड फीलिंग्स ऑन सोशल मीडिया साइट्स। हम ना ही अपना कम्युनिकेशन किसी के साथ कर सकते दुनिया के किसी कोने में, बल्कि आपके पास अगर कोई थॉट्स है, व्यूज है, आपका कोई फीलिंग है, तो आप उसे भी दुनिया के सामने रख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। ठीक, डेटा सिक्योरिटी, ये भी कंप्यूटर हमें डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, स्पीड के साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे सिक्योरिटी क्यों, अभी बताता हूँ। डेटा सिक्योरिटी इज़ द प्रोसेस, ठीक है, ऑफ प्रोटेक्टिंग योर डिजिटल डेटा सच एज फाइल्स, डेटाबेस एंड अकाउंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम योर एनिमी। एनिमी मतलब जो हैकर लोग होते हैं, अगर कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपके सिस्टम में जो फाइल मौजूद है, डेटाबेस, अकाउंट्स या फिर आपका बैंकिंग डिटेल, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर आपने सेव करके रखा है, तो वो कोई भी
उसे चुरा सकता है और मिसयूज़ कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके लिए कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहें तो अपने फाइल्स में पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस अकाउंट्स के लिए भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। अब चलिए कंप्यूटर की खामियाँ क्या हैं, डिसएडवांटेज के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मेनी टास्क ऑटोमेटिकली, दैट्स व्हाई रिड्यूसेस द नीड्स ऑफ पीपल। आपको पता है कंप्यूटर 10 से 15 लोगों का काम अकेले कर देता है, वो भी बहुत जल्दी। इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे 10-15 लोगों के काम की ज़रूरत थी, वहाँ पे एक बंदा कंप्यूटर में करके चला जाता है, बाकी लोग क्या हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। एंड इंक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से क्या हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। ठीक, मेनी पीपल हु वर नॉट अवेयर अबाउट कंप्यूटर फंक्शंस हैव लॉस्ट देयर जॉब। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में नहीं जानते हैं, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं जानते हैं, इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपनी नौकरी को खो रहे हैं, जबकि वो पढ़े लिखे हैं फिर भी। ठीक है, मान लीजिए कोई टीचर है, आर्ट्स कॉमर्स जो भी ले लीजिए आप, तो इस वजह से वो अपने जॉब को खो रहे हैं। सेकेंड हमारा डिसएडवांटेज हो गया वायरस अटैक। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का अटैक भी आता है, जिस तरह से रियल लाइफ में हमें हार्ट अटैक आता है, उसी तरह से कंप्यूटर को भी अटैक मिलते रहता है। तो कैसे मिलता है अटैक, मेनी वायरसेस कैन अटैक द कंप्यूटर, दिस कैन कॉज लॉस ऑफ वैल्यूएबल डेटा ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में वायरस अटैक आ गया और आपके सिस्टम में बहुत ही वैल्यूएबल डेटा पड़ा हुआ है, तो वो वायरस अटैक आने से अगर आपका डेटा है तो वो भी जा सकता है, या फिर कोई बड़ी कंपनी का डेटा किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखा हुआ है तो अटैक आने से वो डेटा भी जा सकता है, लॉस्ट हो सकता है। ठीक है, साइबर क्राइम थर्ड डिसएडवांटेज है हमारा, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, कोई भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा के जा सकता है। जैसे देयर आर सम पीपल हु यूज़ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट फॉर नेगेटिव पर्पस। कुछ लोग ऐसे होते ही है जो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ गलत काम के लिए करते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, और वही लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे ब्रेक द कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम एंड गेन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो भी आप बोले वो ले सकते हैं, चुरा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको पता है मैंने एडवांटेज बताया था कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये जो लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाते हैं, और कंप्यूटर के जरिए जो भी कांड करते हैं लोग, क्राइम करते हैं, उसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज, जिसका नाम है मिसिंग फिजिकल इंटरेक्शन। कंप्यूटर की वजह से आजकल फिजिकल इंटरेक्शन बहुत ही मिस हो रहा। जैसे आजकल देखिए, टीचर घर बैठे हमें पढ़ा दे रहे, फिजिकली वो पढ़ाने नहीं आ रहे, हम फिजिकली पढ़ने नहीं जा रहे, घर बैठे पढ़ ले रहे, तो ये कंप्यूटर की वजह से ही हो रहा। These days people use social media sites for interactions, but real interaction is missing. तो ये कंप्यूटर की वजह से ही हो रहा। अभी आप हमारे इस वीडियो को देख पा रहे तो आप अपने घर में बैठ के देख रहे, मैं आपको अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका और मेरा फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, फिर भी मैं पढ़ा पा रहा हूँ और आप पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो और भी डिसएडवांटेज है, चलिए उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीजेस लर्निंग एबिलिटी, कैसे कंप्यूटर हमारा लर्निंग एबिलिटी को कम कर रहा। स्टूडेंट्स दीज डेज यूज़ कैलकुलेटर्स फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है, आज के टाइम में स्टूडेंट क्या करे, छोटा से छोटा कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बोल दें 2 × 3 कितना होता है, तो अपने से नहीं करेंगे, फट से कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, बोलेंगे 6। तो लर्निंग एबिलिटी डिक्रीज़ हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। एंड गूगल फॉर मेनी सिंपल आंसर्स, और ऐसा आंसर जो पहले से ही स्टूडेंट को पता है वो अपने से और अच्छे से बना के बोल सकता है, लेकिन वो खुद से ना बोलने के बजाय सोचता है कि एक बार गूगल में चेक कर लूँ और अच्छा मिल जाए। अच्छी बात है, आप गूगल में चेक करिए, कैलकुलेटर यूज़ करिए, लेकिन जो चीज़ आपको आती है आप कर सकते हैं उसके लिए एटलीस्ट मत करिए, पहले ट्राई करिए उसके बाद यूज़ करिए। ठीक है, दिस कैन रिड्यूस द लर्निंग एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। हो गया, अब बात करते हैं हेल्थ इशू। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने से भी आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। इम्प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर हेल्थ। अगर आप 10 से 12 घंटा लगातार लैपटॉप में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो आपकी आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। 12 महीना जो लैपटॉप यूज़ करते हैं आप देखे होंगे 90% लोग क्या करते हैं, चश्मा यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष क्या निकला। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। कंप्यूटर हैज़ बोथ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। इफ़ वी यूज इट वाइजली एंड लिमिटेड देन इट विल ऑलवेज प्रूव ईजियर फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर को लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करेंगे, मतलब जितना करना चाहिए आप उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल सीखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए या फिर ऊपर आई बटन में आपको कंप्यूटर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, कंप्लीट कंप्यूटर सीखिए।